कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ दिल्ली के ताजमहल में। जी हाँ दोस्तों, आगरा के ताजमहल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लेकर के आया हूँ दिल्ली का ताजमहल। आपको सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा वो मकबरा है जो आगरा के ताजमहल में बहुत सारा हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन है। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों यह है मथुरा रोड, और मथुरा रोड पर आप जब निज़ामुद्दीन आते होंगे तो आपने ये गुम्बद ज़रूर देखा होगा, और इसी के सामने में जस्ट ये है हुमायूं के मकबरे की तरफ जाने वाला रास्ता। दोस्तों ये हुमायूं के मकबरे का मेन गेट है जहाँ से आप टिकट लेकर के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं टिकट की बात करूँ तो ऑनलाइन टिकट 35 रुपये का है, जहाँ आप स्कैन करके ऑनलाइन ले सकते हैं, और ऑफलाइन टिकट 40 रुपये का है जो आप काउंटर से ले सकते हैं। दोस्तों ये स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ से आप स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। तो चलिए मैं पहले टिकट लेता हूँ फिर अंदर चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं ये अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है जो बहुत खूबसूरत रास्ता है, और ये नया बनाया गया है अभी। पहले जो इसका रास्ता हुआ करता था वो सुंदर नर्सरी यानी अजीम बाग के सामने से हुआ करता था, और अब जो रास्ता है वो यहाँ से है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है देखने को। दोस्तों जब आप मेन गेट से आगे की तरफ आएंगे तो ये आपको ईसा खान का मकबरा मिलेगा जो हुमायूं के मकबरे से पहले है, और यहाँ पर आपको बू हलीमा का पार्क नज़र आएगा, और यहीं से सीधा रास्ता ये जो देख रहे हैं आप वाइट कलर का गेट, यही जाता है सीधा हुमायूं के मकबरे पर। तो देख सकते हैं आप ये बहुत खूबसूरत गेट है, और यही रास्ता सीधा जा रहा है हुमायूं के मकबरे पर। दोस्तों ऐसे ऐसे तीन रास्ते यहाँ पर हैं जिनको गुजर के हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा हुमायूं का मकबरा। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हुमायूं का मकबरा। दोस्तों फाइनली हम इस गेट से अंदर आ चुके हैं, और ये गेट का बैक साइड है देख सकते हैं, और यहीं पर एक और गेट है जो देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना बड़ा गेट है। ये भी किलेनुमा गेट है और इसका नाम है अरब सराय दरवाज़ा। तो दोस्तों ये अरब सराय दरवाज़ा इसलिए है कि बताते हैं जब हुमायूं का मकबरा बन रहा था तो यहीं पर मजदूर रहा करते थे, और ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा रास्ता जो है जाता है हुमायूं के मकबरे पे। तो देख सकते हैं आप ये सीधा हुमायूं के मकबरे पे रास्ता जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम इस गेट के पास आ चुके हैं और देख सकते हैं कितना विशाल और कितना बड़ा गेट है। दोस्तों बिल्कुल सेम ताजमहल की तरफ फील आएगा आपको यहाँ से, और जब यहाँ से आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आपको सामने नज़र आएगा हुमायूं का मकबरा। जैसे आप ताजमहल में जब अंदर एंट्री करते हैं तो ताजमहल से पहले जो बड़ा गेट है वहाँ से एंट्री करते ही ताजमहल का क्या नज़ारा ताजमहल पेश करता है, सेम उसी तरीके से यहाँ से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना ही अच्छा लगता है यहाँ से हुमायूं का मकबरा देखने में। देख सकते हैं आप ताजमहल को इसी के तर्ज पे बनाया गया है, और यहाँ से आप ताजमहल का नज़ारा यानी दिल्ली के ताजमहल का नज़ारा ले सकते हैं यानी हुमायूं के मकबरे का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको और नज़दीक से इसको दिखाऊँगा। दोस्तों ये वही गेट है जिधर से हम अभी अंदर एंट्री किए हैं, और देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना विशाल गेट है, और इसके आसपास का नज़ारा देख सकते हैं कुछ ऐसा है। इसको कहते हैं चार शैली बाग। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये जो आप नाली देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो नाली है ये हुमायूं के मकबरे में चारों तरफ फैली हुई है, और इसका उल्लेख जो है कुरान में किया गया है।
इस नाली का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि ये जो नाली जो बनाई गई है इसका मकसद बनाने का ये था कि जैसे जन्नत में दूध की नहरें और शरबत की नहरें हैं, इस तरीके से इसमें भी कई सारी नहरें बनाई जाए। लेकिन ये अलग बात है कि कुरान में जो जिक्र है वो जन्नत का है, और दुनिया में जन्नत कोई नहीं बना सकता। दुनिया जो है, दुनिया वालों के तसव्वुर से जन्नत बहुत दूर है। और देख सकते हैं आप, ये है, ये फाउंटेन है जो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों मैं बता सकता हूँ, कुरान में जन्नत का जिक्र है, लेकिन जन्नत जैसा दुनिया को बनाना ये नामुमकिन है। तो इसीलिए ये देख सकते हैं आप, ये आसपास का नज़ारा जो कितना ही खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ से हुमायूं का मकबरा आप देख सकते हैं, और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और जो मैंने नाली का जिक्र किया, ये देख सकते हैं इधर भी चारों तरफ से ये नाली जा रही है, तो ये देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर की ओर ले चलता हूँ हुमायूं के मकबरे में। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी हवा चल रही है, और ये काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। तो देख सकते हैं ये जीना है, जो काफ़ी ऊंचा जीना बनाया गया है, और यहीं से आप ऊपर की ओर आएंगे तो आपको बिल्कुल खूबसूरत सा नज़ारा पेश करेगा हुमायूं का मकबरा। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आपको ताजमहल का फील आ रहा होगा इसमें, इसीलिए इसे कहा गया है दिल्ली का ताजमहल। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ हकीकत में दिल्ली के ताजमहल में बहुत सारा नक्शा यहाँ का मौजूद है। और ये आसपास में आप देख सकते हैं बहुत सारी कब्रें हैं। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, हुमायूं के मकबरे में हुमायूं की ही सिर्फ कब्र नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों की भी कब्र है जो हुमायूं के शासनकाल में मौजूद थे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि हुमायूं का नाई का मकबरा यहाँ पे है, और अफसर का मकबरा है, और भी बहुत सारे लोगों का मकबरा ऐसा भी है यहाँ पे जिनको हुमायूं खुद भी नहीं जानते थे। दोस्तों फाइनली ये देख सकते हैं, ये है हुमायूं का मकबरा, जो कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इसके आसपास का नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये जो आप बाग देख रहे हैं, इसका नाम है चार शैली बाग, यानी हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ से सेम तरीके का बाग है। और ये मकबरा जो है कितने बड़े बड़े पत्थरों का डिज़ाइन और लाल बालू पत्थर से इसको बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अंदर ले चलता हूँ मैं आपको, और अंदर से दिखाता हूँ इस मकबरे की खूबसूरती, और अंदर हुमायूं का जो मकबरा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके अलावा और भी बहुत सारी कब्रें हैं। तो देखते हैं अंदर से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। तो यह है मकबरे का मेन गेट, जहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यूँ तो मकबरे के चारों साइड में एक एक गेट है, लेकिन तीन साइड का गेट को बंद किया गया है, और ये है मुख्य द्वार। तो देख सकते हैं अंदर आते ही कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, और कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। दोस्तों मकबरे के चारों साइड में एक एक कमरा है, और हर कमरे में किसी न किसी की दरगाह यानी कब्र है। तो इस कमरे में हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें किसकी कब्र है। दोस्तों ये बादशाह के किसी परिजन की ही कब्र है, और देख सकते हैं आप तीन कब्रें यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में ही है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये देख सकते हैं आप, तीन कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं जो वाइट संगमरमर से बनाई गई हैं, और इसमें भी सेम डिज़ाइन है जैसा मेन गेट के बाहर था। दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरी कब्र की ओर, जो देख सकते हैं आप, इधर से अगर बाहर की ओर चलेंगे तो दूसरे कमरे में पहुँचेंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ हुमायूं के दोनों बीवी की कब्र। वैसे तो हुमायूं की चार बीवी थी, लेकिन दो बीवी की कब्र यहाँ पे मौजूद है, और जिसमें से एक उनकी वो बीवी है जिन्होंने इस मकबरे को बनवाया था, जिनका नाम है हमीदा बानो। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हुमायूं बादशाह के बीवी की कब्र। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है
हुमायूं बादशाह की दो बीवियों की कब्र, जिसमें से एक का नाम है हमीदा बानो और दूसरे का नाम पता नहीं है, क्योंकि उनकी चार बीवी थी तो चारों में से कौन सी बीवी यहाँ पे है तो इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं आप हुमायूं बादशाह के दो बीवियों की कब्र। अब फाइनली दोस्तों मैं आपको वो कब्र दिखाता हूँ जिनके नाम पे इस पूरी बिल्डिंग का नाम पड़ा है, यानी हुमायूं की कब्र। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मेन कब्र यानी हुमायूं बादशाह, जिनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, और ये देख सकते हैं ये हुमायूं की कब्र है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। दोस्तों इनका शासन 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक था, और इन्होंने दिल्ली और दूसरे राज्यों पर राज किया था। दोस्तों ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, और ये आसपास का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दोस्तों मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, हुमायूं बादशाह ने चाहे जितने दिन हुकूमत की हो, आप सब जानते हैं कि हुमायूं बादशाह परेशान थे और अपने जीते जी वो चैन सुकून से दुनिया में नहीं रह पाए। जितने दिन दुनिया में जिंदा रहे परेशान रहे, तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको और कमरों में ले चलता हूँ और वहाँ दिखाते हैं और कब्र। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आसपास का नज़ारा और ये बीच में हुमायूं बादशाह की कब्र है। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ और दूसरे कमरों में और वहाँ देखते हैं और किसकी कब्र मिलती है। असल में क्या है कि कब्रों के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पहचानना मुश्किल है कि कौन सी कब्र किसकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर कमरों में कब्र है और वो बादशाह के किसी खास की ही कब्र होगी, तभी तो हुमायूं मकबरे के अंदर जगह मिली है। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप, दो कब्रें हैं और ये भी संगमरमर यानी वाइट पत्थर से बनाई गई है, देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों अब मैं आपको बाहर की ओर ले चलता हूँ और देखते हैं और किसकी कब्र हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री की थी, ये वही मेन गेट है, और आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। और अगर आप मेन गेट से अंदर आएंगे तो सीधा अंदर भी आ सकते हैं, सीधा हुमायूं की कब्र पे। ये देख सकते हैं आप, ये सामने हुमायूं की कब्र है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हुमायूं बादशाह जब तक रहे जिंदा, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी कब्र का इंतज़ाम कर लिया था। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।